चतरा में अवैध उत्खनन के खिलाफ खनन टास्क फोर्स की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। डीसी अबू इमरान के निर्देश पर एसडीओ मुमताज अंसारी के नेतृत्व में गठित टास्क फोर्स की टीम ने झारखंड बिहार सीमा के प्रतापपुर में अवैध रूप से संचालित 7 अवैध क्रशर मशीनों को ध्वस्त किया। जिला खनन प्रखंड प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम ने इलाके में सक्रिय पत्थर माफियाओं के विरुद्ध कार्रवाई की है। क्रशरों को ध्वस्त करने निकली टास्क फोर्स की टीम ने अभियान के दौरान अवैध बालू खनन करते हुए 4 दर्जन ट्रैक्टरों और कई हाइवा को भी जब्त किया है। तो जहां जहां हम लोगों ने बालू घाट में इलीगल ट्रैक्टर पाया है उसको हमने पकड़ा है और उस पर कार्रवाई की जा रही है। 2 ट्रैक्टर यहां प्रतापपुर में जब्त हुए हैं। इसके अलावा सदर थाना में 1 ट्रैक्टर जब्त हुआ है, जोरी में 2 ट्रैक्टर जब्त हुए हैं और भी इसी तरह से इटखोरी में भी कुछ ट्रैक्टर जब्त हुए हैं। सब हम लोग जो है इसी तरीके से सभी जगह से रिपोर्ट कलेक्ट कर रहे हैं और सबको कार्रवाई के मूड में है। प्रतापपुर में 7 क्रशर मशीन को ध्वस्त किया गया है जो पूर्व से ही बंद था, लेकिन कभी कभी इसका सूचना मिलता था कि इस जगह पे अवैध रूप से क्रशर चलाया जाता था जिसको आज हम लोगों ने ध्वस्त कर दिया। देखें तो एक अवैध खनन करते हुए बालू का ट्रैक्टर बरामद किया गया है, उसी तहत जोरी थाना अंतर्गत 2 ट्रैक्टर बरामद किए गए हैं और प्रतापपुर में भी 2 ट्रैक्टर बरामद किए गए हैं और हम लोगों ने यहाँ पे अवैध रूप से संचालित क्रशर जो पूर्व में हम लोगों ने जिला खनन पदाधिकारी के तहत उसको रद्द किया गया था, परंतु बीच बीच में ये सूचना प्राप्त हो रही कि उनके द्वारा क्रशर का नियमित रूप से कभी कभी संचालन किया जा रहा था तो हम लोगों ने उसको आज उसको ध्वस्त किया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।